विधानसभा चोणां मुकम्मल होण तों बाद सिर्फ पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां ही वधाउण दी तैयारी नहीं हो रही बल्कि लोकां उत्ते टैक्स दा भार वधाउण दी वी तैयारी हो रही है। दरअसल GST कौंसल ने अपनी अगली मीटिंग विच GST दी सब तों हेठली टैक्स स्लैब नूं 5% तों वधा के 8% करन दी कवायद आरंभ दित्ती है। इस दे नाल नाल टैक्स प्रणाली विच दित्ती जांदी छूट दे घेरे नूं वी होर सीमित करन दी तैयारी हो रही है। मौजूदा समय चल रहे GST प्रबंध तहत निर्धारित टैक्स स्लैब विच जरूरी वस्तुओं नूं छूट दित्ती गई है जां फिर सब तों हेठली स्लैब विच रख्या गया सी, पर हुण इह ढांचा बदलिया जा रहा है। हेठली स्लैब जिस विच मुख तौर ते पैक कीतियां यानी डब्बा बंद फूड आइटम शामिल हुंदियां ने उस दी फीसद वधाउण नाल सरकार दे मालीए विच सालाना 50,000 करोड़ रुपए का वाधा होगा, पर सारा बोझ लोगों उत्ते पवेगा। टैक्स का भार वधाउण दी इस संभावी कार्रवाई लई GST कौंसल मार्च महीने के अखीर विच जां फिर अप्रैल महीने की शुरुआत विच मीटिंग कर सकती है। चेते रहे कि चोण नतीजों तो बाद पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां भी 10 तों 15 रुपए प्रति लीटर वधण दी चर्चा पिछले कई दिनों तो तेज़ चल रही है अते हुण टैक्स दा भार भी वधण दी संभावना नज़र आ रही है।